मेहता का उल्टा चश्मा। काका, ये मिर्जी के नाच करना, ये मिठाई, ये सब क्या है? नटू काका, सेठ जी, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ, इसलिए खुशी से झूम रहा हूँ। सेठ जी, नटू काका, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चुप! शर्म नहीं आ रही है तुझे बाका? चोरी करके मिठाई बांट रहे? चोरी? कैसी चोरी? कैसी चोरी? सुना नटू काका? क्या कह रहा है? कैसी चोरी? हाँ, सुना। बाका, तुझे शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? नटू काका, सच कहूँ, पहले पहले तो मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन फिर क्या करूँ, बावरी जी मेरे पीछे ही पड़ गए, इसलिए फिर मैंने चोरी कर ही डाली। देखा, देखा, मेरा शक सही निकला, बावरी भी शामिल है इसके साथ। सेठ जी, अब बावरी जी का दिल चुराना था तो बावरी जी को तो शामिल होना ही पड़ेगा ना। क्या बोल रहा है? क्या इसकी हिम्मत तो देखो नटू काका, दुकान का सारा माल चोरी करके हमारे साथ मजाक कर रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने दुकान के सामान की चोरी नहीं की। तो क्या मैंने चुराया है? आप क्यों चुराओगे, आपकी तो खुद की दुकान है। Stop this mockery immediately! बागा, सेठ जी ने तुझे लोन क्या नहीं दिया, तूने 10 लाख का सामान सफाचट कर दिया। तेरी वजह से आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पुलिस आई। आसपास के दुकान वालों को सेठ जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब घर पे बापूजी को सेठ जी क्या कहेंगे? बागा, तूने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से दुनिया का कोई भी सेठ उसके वहां काम करने वाले पे भरोसा नहीं करेगा। हमारे सेठ ने हर तकलीफ में हमेशा हमारी मदद की है, हमारे भरोसे पे पूरी दुकान छोड़ के जाते हैं, पैसों का व्यवहार भी हमारे भरोसे पे करते हैं। कभी कोई गेस्ट आता है तो सेठ जी खुद के लिए चाय मंगवाते हैं और हमारे लिए फालूदा मंगवाते हैं, वो भी केसर फालूदा। ऐसे भगवान जैसे सेठ जी के यहाँ तूने चोरी की? मेरा सर शर्म से झुक गया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा बागा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन नटू काका, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपकी कसम। व्हाट? हाँ नटू काका, आप लोगों ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। आपने सेठ जी, आपने अपने इस ईमानदार बागा पे चोरी का शक किया। आपके हर आदेश को अपना कर्तव्य समझकर पूरा करने वाले इस बागा को चोर कहा, ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी, आपने मेरा दिल चीर दिया सेठ जी। और नटू काका, आप तो मेरे काका हो, मुझे बचपन से जानते हो, फिर भी आपने मुझ पे शक किया। आज दिल करता है ये धरती फट जाए और मैं उस पे समा जाऊं। ए, बंद कर तेरी ये नौटंकी। अगर तूने चोरी नहीं की है तो दुकान का सारा सामान गया कहां? बताता हूँ सेठ जी, बताता हूँ। आप जब आज नवी मुंबई पार्टी से मिलने गए तो आपके जाने के बाद अपनी दुकान में एक आदमी आया। उस आदमी के साथ 2 गनमैन थे। वो लोग मेरे सामने आकर खड़े हो गए। बंदूक लेकर दुकान लूटने आए थे? एक मिनट। फिर मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन उसके बाद उस 2 गनमैन के साथ जो आदमी आया था, वो आदमी मेरे पास आया और बोला, इस दुकान की सारी चीजें दिखाओ। फिर
फिर मैंने उनको अपनी दुकान का एक के बाद एक सारा सामान दिखाया। उसने हर एक चीज बड़ी ध्यान से देखी और फिर अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। क्या क्या ऑर्डर दिया? मुझे इस दुकान की सारी चीजें बहुत पसंद है। सारी चीजें सर? सारी चीजें। तो सभी चीजें लूट ली? लूट नहीं ली नटू काका, खरीद ली। खरीद ली? पहले तो मुझे लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने दुकान के सारे सामान की कॉस्ट जो लगभग 10 लाख हो रही थी उसमें 20% ऐड करके ज्यादा बताए। 12 लाख। 12 लाख। अच्छा ठीक है, दे दो। 20% ज्यादा था तो भी वो लोग मान गए, इसलिए मैंने उनसे पूछा, सच में आपको ये सारा सामान खरीदना है? हाँ सच में भाई, तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं है, वो क्या है कोई सारा सामान एक साथ खरीदता नहीं है ना, इसलिए। वो क्या है, हमारे सर को एक समूह लगन में सारी चीजें गिफ्ट देनी है। एक काम कीजिए, मैंने जो आपको लिस्ट दी है उस लिस्ट के हिसाब से सबका अलग अलग नाम से बिल बनाइए। ठीक है। दुकान में लगा सारा सामान इस पते पे डिलीवर कर दो। जी ठीक है। और हाँ, सामान यही भेजना जो सर ने देखा है। और कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे आदमी हेल्प कर देंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सारा सामान लोड करवा के फटाफट डिलीवरी करवा देता हूँ। वो पेमेंट कैसे करेंगे? आप अभी के अभी दिए हुए पते पर सामान भेज दीजिए, आपको वहीं पे कैश पे पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है। वैसे एक बात पूछूं, ये इतना बड़ा दान पुण्य करने वाले आपके ये सर है कौन? इस एरिया के MLA श्रीमान प्यारेलाल जी। MLA प्यारेलाल जी हमारी दुकान में आए थे? हाँ सेठ जी, और ज्यादा सामान था इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा टेम्पो मंगवाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने दूसरे टेम्पो वाले से टेम्पो मंगवाया और सामान लोड किया। फिर क्या, मैं माल की डिलीवरी करने गया था सेठ जी, और अभी अभी डिलीवरी करके ही आ रहा हूँ। बागा, एक फोन मुझे कर दिया होता तो ये सब झमेला ही नहीं होता ना बेटा। कैसे फोन करता सेठ जी, आपने मुझे बावरी जी की कसम दे के बांध रखा था, पर पता नहीं क्यों मेरा फोन अचानक अपने आप स्विच ऑफ हो गया है। और वो गले में 10,000 थे, वो क्यों लिया तूने? वो टेम्पो वाले को भाड़ा कैश में देना था इसलिए। और वो 1 रुपए का सिक्का, वो क्यों छोड़ा तूने गले में? वो सेठ जी हमेशा आप ही कहते हैं ना कि गल्ला कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने उसमें 1 रुपए का कॉइन रख दिया था। अरे हाँ, ये लीजिए सेठ जी, जो माल बेचा उसका रोकड़ा 12 लाख रुपया। वाह 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 बागा, तूने तो कमाल कर दिया बेटा। नट्टू काका, इस कमाल के बदले में मुझे क्या मिला? बागा, तू तो चोर है चोर। सेठ जी, आपने मेरी ईमानदारी पे शक किया, मेरी वफादारी पे शक किया। सेठ जी, मैंने इतने सालों से जो आपकी सेवाएं की, उसके सामने मेवा खिलाने के बदले आपने मुझे कड़वे ताने मारे, क्यों सेठ जी क्यों? नट्टू काका, आप जिसने मुझे बचपन में अपनी गोद में खिलाया, उसी ने मुझ पे शक किया, क्यों नट्टू काका क्यों? हे जीरे, हे जीरे, बागा, बागा बेटा, आई एम सॉरी बागा बॉय, मैंने तुझ पे शक किया, मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दे बागा, पर मैं क्या करता, हालात ही कुछ ऐसे थे कि ना चाहते हुए भी हमें मानना पड़ा कि चोरी तूने की है। ऐसे क्या हालात थे सेठ जी?
याद कर बाका, आज सुबह तूने मुझसे लोन मांगी और मैंने मना कर दिया, तब तूने क्या कहा था कि आप मुझे लोन नहीं देंगे कोई बात नहीं, मुझे तो कैसे भी करके आज के आज 5 लाख का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं नवी मुंबई गया, वहां से वापस लौटा तो क्या देखता हूँ, तो दुकान पे ताला, दुकान खोल के देखी तो सारा माल गायब, तू भी गायब, तुझे फोन किया तेरा फोन स्विच ऑफ। अब तू ही बता, ऐसे हालात में तो फिर ऐसे ही विचार आएंगे ना। आपकी बात एकदम सही है सेठ जी, अगर आपकी जगह मैं होता और मेरी जगह आप होते तो मैं भी आपके बारे में यही सोचता। लेकिन बागा, पूरी बात में मुझे ये समझ में नहीं आया कि सेठ जी से तूने 5 लाख रुपए का लोन क्यों मांगा। हाँ, बावरी जी को सरप्राइज देने के लिए। क्या? हाँ सेठ जी, वो बावरी जी का एक बहुत पुराना सपना था कि शादी से पहले हमारा एक छोटा सा घर हो। मैंने घर के लिए एक बहुत अच्छी जगह देख रखी है सेठ जी, आज ही आज सब कुछ फाइनल करना था क्योंकि बहुत अच्छी डील मिल रही थी सेठ जी। आज 5 लाख रुपए भरो और बाकी का पेमेंट बिल्डिंग रेडी हो जाने के बाद, वो भी हर महीने के इंस्टॉलमेंट पे। तो तुझे घर लेने के लिए लोन चाहिए थे? अरे तो बेवकूफ, सुबह मुझे बताया क्यों नहीं? वो बड़े सया ने कह के गए है ना कि कोई भी अच्छा काम करो तो पहले काम खत्म करो उसके बाद सबको बताओ, अगर पहले बता दोगे तो हो सकता है तुम्हारा काम बिगड़ जाए। इसलिए सेठ जी, मैंने आपको तो क्या, बेचारे बावरी जी को भी कुछ नहीं बताया, सुबह सुबह वो भी मुझसे नाराज होके चले गए। बागा बेटा, सबसे पहले तू बावरी को फोन करके ये बता दे कि यहाँ सब ठीक है, वो बेचारी कब से तुझे निर्दोष साबित करने के सबूत ढूंढने गई है। नटू काका, आपका फोन दीजिए ना प्लीज। ले। थैंक यू बेचारी बावरी जी। हेलो। हाँ बावरी जी, मैं बोल रहा हूँ। बागेश्वर जी, कहाँ हैं आप? मैं दुकान में हूँ बावरी जी, और मेरे और सेठ जी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो अब दूर हो गई है। बावरी जी, आप कहाँ हैं? यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ मतलब यहाँ। बावरी जी, बागेश्वर जी, मुझे कब से आपकी चिंता हो रही थी, मैंने सोचा एक बार वापस दुकान में जाकर देखती हूँ कि आप वापस आए कि नहीं। आप ठीक तो है ना? हाँ बावरी जी, मैं एकदम ठीक हूँ, और अच्छा हुआ बावरी जी आप आ गए। बागेश्वर जी, आपको पता है इन्होंने आपकी पुलिस कंप्लेन की और पुलिस ने मुझसे भी पूछताछ की। ओह माय गॉश सेठ जी, हम तो भूल ही गए आपने पुलिस कंप्लेन की है। हाँ कोई बात नहीं, मैं वो बाद में पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन वापस ले लूंगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। और बावरी जी, आज सुबह मैंने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा, आपको नाराज किया, उसके लिए आई एम सॉरी। बागेश्वर जी, मैंने आपको फोन करने के लिए मना किया, उसके लिए भी सॉरी। आप मुझे इम्पोर्टेंट काम बता नहीं रहे थे तो मुझे भी गुस्सा आ गया। सॉरी बावरी जी, वो दरअसल मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था कि हमारी शादी से पहले मैंने घर लिखवाया है। क्या? आपने घर लिखवाया? नहीं लिखवाया बावरी जी, वो मेरे पास पैसों का बंदोबस्त ही नहीं हुआ, मैं अभी उन्हें फोन करके मना कर देता हूँ। ए बागा, कोई फोन करने की जरूरत नहीं है भाई, देख तूने आज 20% ज्यादा में माल बेचा यानी 2 लाख का मुनाफा हुआ, तो वो 2 लाख तेरे और बाकी के 3 लाख मैं दे देता हूँ। सच सेठ जी? हाँ हाँ। नटू काका, जरा चेकबुक देना। जी। पेंडर। बागेश्वर उंधाई वाला, ये ले पूरे 5 लाख का चेक, जा जाके घर लिखवा दे।
जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। सेठ जी अब बाकी एकदम कमाल हो सेठ जी, ये पैसे बहुत जल्द से जल्द मैं आपको लौटा दूंगा। अरे बागा उसका टेंशन तू मत ले भाई, तू मजा करने। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू, आपने मेरे दिल को छू लिया। क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ? नेक काम में पूछते नहीं। नहीं, मेरे कहाँ पैर छू रहे हो? अगर पैर छूने आए तो नट्टू काका का छुआ वो अड़ी ले भाई। आइए बाबूजी जी। अरे अरे बेटा मुझे तो तू माफ कर, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया है। उड़िए ना नट्टू काका, वो सब बात आइए गले मिलिए। मेरे प्यारे नट्टू काका। जीता रे बेटा जीता रे। मुझसे गले नहीं मिलेगा बागा। अरे सेठ जी, मेरे प्यारे सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। You said you thank you. Hands up, don't move, don't move. Jethalal, मेरा शक सही निकला। You are under arrest. मैंने क्या किया? क्या किया? चोरी का नाटक, इंश्योरेंस का पैसा हड़प करने के लिए। नहीं नहीं चालू जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई नाटक नहीं किया है। झूठ मत बोलो जेठालाल, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम इस चोर के गले मिल रहे थे। मैं तुम लोगों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि इंश्योरेंस का पैसा हड़प कर सको। नहीं नहीं चल पांडे जी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है जेठालाल। देखिए चालू जी, पांडे जी सच कहूं तो दुकान में चोरी हुई ही नहीं है। तो मैं जानता हूं दुकान में चोरी हुई ही नहीं है, चोरी कराई गई है। इंश्योरेंस वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तुमने तुम्हारे आदमी से दुकान में चोरी करवाई। पांडे जी, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जेठालाल। चालू पांडे जी मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी दुकान में ना ही चोरी हुई है ना चोरी का नाटक। मेरी दुकान का सामान कायदे से रीत से खरीदा गया है। खरीदा गया? हाँ। तुम्हारा कहने का मतलब ये है जेठालाल कि तुम्हें एक ऐसा कस्टमर मिल गया जिसने सारा सामान एक ही दिन में खरीद लिया। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? ये पेमेंट के 12 लाख। हाँ ये देखिए, हाँ। ये रोकड़े 12 लाख उन्होंने दिए, देखो। इतना सारा कैश। जेठालाल जरूर तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकी होगी। नहीं 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 पांडे जी, ये सारा सामान मैंने बेचा है, जिसका बिल भी बनाया है। हाँ। तो फिर तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों की दुकान में चोरी हुई है? वो एक छोटी सी नहीं बड़ी सी गलतफहमी की वजह से ऐसा हो गया। वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं वो नवी मुंबई में पार्टी को मिलके आया तो दुकान पे ताला था, फिर दुकान खोल के देखी तो सारा माल गायब। हाँ। बाका भी गायब था। तो मुझे लगा कि माल चोरी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मैं नवी मुंबई था ना, उसी दौरान हमारे एरिया के MLA है ना प्यारेलाल जी। हाँ। वो मेरी दुकान में आए थे खरीदी करने के लिए। अच्छा बागा बता ना। हाँ हाँ पांडे जी, MLA साहब खुद हमारी दुकान में आए थे और समूह लगन में देने के लिए हमारी दुकान में से सारा सामान उन्होंने खरीद लिया। समूह लगन में गिफ्ट, गिफ्ट। और जब मैं वापस आया नवी मुंबई से तब दुकान बंद थी, दुकान खोल कर देखी माल गायब, बागा गायब। वो मुझे ऐसा लगा कि बागा माल लेकर अपू चक्कर हो गया। अच्छा। हालांकि बागा तो माल की डिलीवरी करने गया था। जेठालाल ये मैं कैसे मान लूं कि जो बात तुम अब कह रहे हो वो सच है और जो पहले बात कही थी वो झूठ है? आप प्यारे लाल जी से बात कर लीजिए ना। अच्छा। हाँ, हाँ, ये देखिए उनका कार्ड भी है मेरे पास। हाँ। लीजिए ये देखिए। नंबर क्या? कार्ड किधर? दे दिया वापस। अरे यार तुम इतना वजन भी नहीं उठा सकते 2 मिनट के लिए। अरे यार ऊपर पकड़ना यार। सॉरी।
हेलो विधायक पैरेलल स्पीकिंग। भाई इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। जी कहिए। मुझे एक बात की जानकारी चाहिए कि आपने किसी समूह लगन में गिफ्ट करने के लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से उनका सारा सामान खरीद लिया है? हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है पांडे जी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस चेक करने के लिए पूछ रहा था। थैंक यू सर। जय हिंद जय महाराष्ट्र। जय हिंद जय महाराष्ट्र। विधायक ने तुम्हारी बात को कंफर्म कर दिया। सॉरी आपको तकलीफ हुई, उसके लिए मैं दिल से दिलगिर हूँ। क्या हूँ? दिल से शर्मिंदा हूँ। मैं चलता हूँ। यहाँ आगे कोई ट्रैफिक वगैरह तो नहीं मिलेगा ना? नहीं ये टाइम पे तो अभी नहीं। ठीक है चलो सी यू। मित्रों हमने क्या क्या नहीं सोच लिया था और क्या हुआ? ठीक वैसे ही जैसे चिलचिलाती गर्मी में अचानक बर्फबारी हो जाए, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। देखिए ना जेठालाल का टेंशन समाप्त हो गया और बागा के घर के लोन की समस्या का हल निकला, कितना अच्छा। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है और जिंदगी का पल्ला इसी तरह से बस बराबरी पर रहता है और यही गोकुल धाम। अब गोकुल धाम के लोग किस तरह से आप जानते हैं मुसीबतों से जूझते हैं, किस तरह से समस्याओं का हल निकालते हैं, अब देखना है कि कल की सुबह यहाँ क्या हंगामे लेके आती है, किस तरह से गोकुल धाम निवासी नई मुसीबतों का सामना करते हैं, किस तरह से हंगामे करते हैं। लेकिन सोचिए मत, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.